Hey guys, what's up? पिछली वीडियो में हमने देखा था न्यू लाइट्स फॉर द Hyundai Creta. आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी स्विफ्ट में DRL लगवा सकते हैं. So let's get started. यह है लास्ट जेन स्विफ्ट, पर यह किसी भी कार में लग सकती है ये वाली DRL. ये चाहे तो आप Brezza, Baleno, स्विफ्ट नई वाली या पुरानी वाली, आप ये बेसिकली किसी भी कार में लगवा सकते हैं DRLs. तो सबसे पहले बोनट खोल के बम्पर और ग्रिल को लूज करा जाता है. उसमें 3-4 स्क्रूज हैं जिन्हें आप इजीली लूज कर सकते हैं. इसके बाद बम्पर को लूज करके दोनों साइड से ग्रिल बाहर आ जाएगी. फाइनली आपको एक्सेस मिल जाता है हेडलाइट्स का, जिसका एक स्क्रू आगे है, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे. एक बार सारे स्क्रूज लूज हो जाएं, तो आप दोनों हेडलाइट्स को बाहर निकाल सकते हैं. पर याद रखें कि आप पावर केबल को भी डिस्कनेक्ट कर दें. नेक्स्ट है हेडलाइट्स को खोलना. उसके लिए भी आपको स्क्रूज खोलने पड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी हीट गन की, जिससे आप उसकी पेस्ट या ग्लूज को, जो भी आप कहें, लूज कर सकें और फिर हेडलाइट्स खुल सके. हीट गन पूरी लाइट पर लगती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर. जैसे जैसे गम लूज होती जाती है, आप इसे पेचकस से खोलते जा सकते हैं. एक बार ग्लू लूज होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप दोनों साइड से खींच सकते हैं ताकि हेडलाइट्स को खोल सकें. जैसे जैसे हेडलाइट्स खुलती जाएगी, इसमें और हीट गन आप मार सकते हैं ताकि आप उसे कंप्लीटली खोल सकें. ग्लू बहुत गर्म होती है तो वो हाथ पे लग जाती है और काफी दर्द भी होती है. अब फाइनली जाकर हेडलाइट्स खुली हैं. ये दो बंदों के लिए इजी काम है, पर एक भी कर सकता है थोड़ा और टाइम लेकर. तो ये है लाइट का बाहर वाला पोर्शन, इसी में लगाई जाएगी DRL. लगाने से पहले इसको भी पेचकस से खोलना पड़ेगा ताकि ग्लास वाला पोर्शन अलग हो जाए और मेन पोर्शन में DRL लग सके. तो ये है व्हाइट LED स्ट्रिप जो कि DRL है. ये मोस्टली हर कार में लग सकती है, सिर्फ स्विफ्ट में नहीं. आप ये Brezza, Baleno, न्यू स्विफ्ट किसी में भी लगवा सकते हैं. तो स्विफ्ट की लाइट थोड़ी बड़ी है, उसी वजह से LED स्ट्रिप को थोड़ा लेंथ में बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो पूरी लाइट को कवर कर सके और कंप्लीटली उस पर आ सके. एक बार लाइट्स की लेंथ प्रॉपर हो जाए, तो आप डबल साइडेड टेप से इसी लाइट के ऊपर लगा सकते हैं LED स्ट्रिप को. सबसे पहले डबल साइडेड टेप लगाई जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि LED स्ट्रिप इस पे कंप्लीटली चिपक सके. इसको लगाने से पहले इस पर हीट गन एक बार जरूर मारी जाती है ताकि और अच्छे से पकड़ आ सके और आपकी लाइट्स प्रॉपरली पकड़ी जा सके. एक बार LED स्ट्रिप चिपक जाए, तो इसे एक बार चेक कर लेना बेटर है ताकि कोई भी LED लूज ना हो और प्रॉपर शेप में हो. और फाइनली लगाने से पहले साफ जरूर करना चाहिए ताकि अंदर कोई मॉइस्चर या मिट्टी ना रह जाए.
और ग्लास लगाने के लिए इसमें स्क्रूज टाइट करते हैं ताकि प्रॉपरली फिटिंग आए एक नॉर्मल पेचकस से। फाइनली असेंबल करने के लिए लाइट को वापस उसी हीट गन से दोबारा मारा जाता है ताकि वही पुरानी ग्लू जो कि कंपनी के साथ आती है वही यूज़ हो सके, ताकि एक बार वो गर्म हो जाए फिर आप दोनों पार्ट्स को आराम से चिपका सकते हैं। हेडलाइट्स बंद करने से पहले DRL का कंट्रोलर अंदर ही रखा जाता है ताकि पानी वगैरह इस पर ना जाए और वो हेडलाइट्स के साथ ही सील हो जाए। दोनों पार्ट्स को दोबारा हीट करके वापस लगाया जाता है। इसके बाद ज़रूरत लगे तो लाइट्स पर एक ब्लैक टेप लगाया जाता है ताकि प्रॉपरली सील हो जाए। सेम प्रोसीजर दूसरी हेडलाइट पर करा जाता है, वैसे ही खोलकर वैसे ही DRL LED स्ट्रिप चिपकाई जाती है और वापस बंद करा जाता है। अब बारी आती है फॉग लैंप्स की। इसे निकालना और इस पर DRL लगाना काफी इजी है हेडलाइट्स के मुकाबले। इसके DRL लगाने के लिए होल्स में शेप करनी होती है ताकि वो इजीली अंदर चले जाएं और आप उसे पुश कर अंदर डाल दें। DRL की वायर लगाकर उसे इजीली अंदर पुश करें फिर ताकि वो प्रॉपरली पकड़ ले। उसके बाद पीछे स्क्रूज टाइट करे जाएं, वो टाइट हो जाए फिर वापस अपनी जगह पर उसे टाइट कर जाएं और फॉग लैंप्स आपकी लग गई। तो काफ़ी इजी टास्क है अगर आप कंपेयर करें हेडलाइट्स में DRL लगाना। उसमें आपको खोलनी पड़ती है, प्रॉपर सब बंद करना होता है हीट गन के साथ। तो अगर आप ये लगवाना चाहें सिर्फ नीचे फॉग लैंप्स वाली तो सिर्फ ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें भी वायरिंग कपलर टू कपलर होती है ताकि कार की वायरिंग को ना छेड़ा जाए। आपकी कार वारंटी में है तो इसकी वारंटी भी वॉइड ना हो। इसका भी कंट्रोलर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ द DRLs लुक। अब नेक्स्ट है हेडलाइट्स को वापस अपनी जगह पर लगाना। अब हेडलाइट्स के लिए भी वायरिंग कपलर टू कपलर ही होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये काफी जरूरी है ताकि वायरिंग ना छेड़ी जाए और अगर आपकी कार ब्रांड न्यू है तो वारंटी भी वॉइड ना हो। एक बार दोनों साइड की वायरिंग हो जाए उसके बाद ग्रिल और बम्पर दोनों को टाइट करके वापस फिट कर सकते हैं अपनी जगह पे। तो ये टोटल 2 घंटे का काम है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है और उनकी मेहनत रंग भी लाई है। तो ये देखने में बहुत बढ़िया लग रही हैं। इसकी दोनों ऊपर और नीचे का कॉम्बिनेशन ऑसम है। हेडलाइट्स वाली का प्राइस है अराउंड 4500 और नीचे फॉग लैंप्स वाली का प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 1500 से 2000। तो ये टोटल प्राइस मेरे हिसाब से टोटली वर्थ है कार की लुक को देख कर। आजकल जो मारुति के टॉप एंड वेरियंट्स में DRLs आती हैं ये उनसे बेटर लग रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये पैसा लगाना इज टोटली वर्थ इट। तो अगर आप ये लगवाना चाहते हैं तो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में जाएं, करोल बाग दिल्ली में, टेक ट्यूब का नाम लें और डिस्काउंट पाएं। सो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।